खिलाड़ी मैच में दम लगाए, टीम को जिताए, फिर भी कप्तान गुस्सा दिखाए। इसे सुनकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बात हुई। दरअसल सोशल मीडिया पर इस वक्त भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ थर्ड ओडीआई मैच का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा गेंदबाज शार्दुल ठाकुर पर गुस्साते नजर आ रहे हैं, जिसे देख लोग सभी यही पूछना चाहते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है टीम के लिए। एक तो शार्दुल ठाकुर ने बाजी को पलटा, फिर भी रोहित शर्मा उन पर फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। आज इसी पर प्रॉपर डिस्कशन करने के लिए हम आ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नेस्ट पर और मैं हूं आपके साथ ध्रुवत्री। तो आइए आपको बताते हैं कप्तान के भड़कने का पूरा मसला क्या है। देखिए शुरुआत से चीजों को बताते हैं, जिससे आपको भी चीजें सभी चीजें समझ आ जाएंगी। दरअसल इस मैच को जिताने में जितना योगदान रोहित शर्मा और शुभमन गिल का रहा, उतना ही योगदान हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर का भी रहा। जी हां, खासतौर से शार्दुल ठाकुर ने मैच को उस वक्त पलटा जब न्यूजीलैंड टीम इंडिया पर भारी पड़ रही थी। शार्दुल ने दो ओवर में 3 बड़े विकेट लेकर टीम के जीतने के चांसेस को बूस्ट कर दिया था। दरअसल शार्दुल ठाकुर ने पारी के 26वें ओवर की पहली गेंद पर डैरिल मिचेल का विकेट लिया था और इसके बाद दूसरी ही गेंद पर शार्दुल ने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम का विकेट भी चटका दिया था। और इन दोनों विकेट्स के चटकाते ही टीम इंडिया की तरफ से पूरा मैच झुक गया था। लेकिन 2 विकेट लेने के बावजूद कप्तान रोहित शर्मा शार्दुल से खुश नहीं नजर आए और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वो थी डेवोन कॉनवे की शानदार बल्लेबाजी। कप्तान ऐसे में इसलिए ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वीडियो में देखकर जो पता लगाया जा सकता है उसके अनुसार शार्दुल उस ओवर में बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को शॉर्ट पिच गेंदे फेंक रहे थे। डेवोन कॉनवे पहले से ही शतक लगाकर टीम पर भारी पड़ रहे थे, इसलिए शार्दुल की गेंदबाजी से रोहित शर्मा नाखुश दिखे। इसीलिए वीडियो में आप देख सकते हैं कि कप्तान शार्दुल को डांट रहे हैं, उन पर थोड़ा सा भड़क रहे हैं और फ्रस्ट्रेट भी नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गौर करने वाली बात है कि ड्वेन कॉनवे जिस तरीके से पारी खेल रहे थे उस तरीके से टीम इंडिया के लिए हारने के चांसेस भी बढ़ रहे थे, इसलिए कप्तान रोहित शर्मा परेशान थे। लेकिन इस मैच में टीम इंडिया का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। उमरान के ओवर में ड्वेन कॉनवे को रोहित शर्मा ने कैच आउट कर दिया था, जिसके बाद टीम इंडिया के चांसेस ज्यादा बढ़ गए थे जीत के लिए। खैर अब आप हमें ये बताइए कि कप्तान प्रेशर में थे, परेशान थे, वहीं शार्दुल भी कोशिश कर रहे थे कि पूरी तरह से विकेट लेने का जोर लगा रहे थे, ऐसे में कप्तान का उन पर भड़कना आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए टाइमली लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।